पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों के लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। एक और मासूम बच्चे की जान चले गई। अब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना भी खतरा हो गया है। ये कॉर्पोरेट स्कूल जो मनमानी फीस लेते हैं और ना जाने किस किस चीज के लिए पेरेंट्स को पैसे मंगाते हैं, और बच्चों की पढ़ाई की कोई सिक्योरिटी नहीं, ना ही तो सिक्योरिटी गार्ड और ना ही सीसी कैमरे। ऐसा ही एक वाकया हैदराबाद बंजारा हिल्स पुलिस सुदूर टोली चौकी में देखने को मिला, जो प्रोमिसिंग स्कॉलर हाई स्कूल में एक इब्राहिम नामी लड़का जो अपनी जान से चला गया। 12 तारीख को फैयाज और इब्राहिम के दरमियान छोटा सा झगड़ा हुआ। फैयाज ने 3 से 4 बार उसके ऊपर हमला किया और वो जब घर पर आके अपने वालिदैन को ये तफसीलात बताई और कुछ दर्द होने की बात बता रही थी, फौरन उसको नीलोफर हॉस्पिटल लेकर गया जहां पर वो जेर इलाज थे। बाद अज़ां कल इब्राहिम की मौत वाकई हो गई और पुलिस ने आनन फानन में केस दर्ज किया। लेकिन ये सब के पीछे ये जो स्कूलों की लापरवाही है, इसके ऊपर कब एक्शन होगा? ये लोग क्यों सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखे? आज वेस्ट जोन डीसीपी ए वेंकटेश्वर राव ने क्राइम टुडे के नुमाइंदे शहबाज बाबा से बात करते हुए कहा कि हमने नोटिस जारी की उस स्कूल को और डीओ को, क्योंकि सीसी कैमरे मौजूद थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। जबकि शहर हैदराबाद की पुलिस सारे दुकानदारों को और सारे जगहों पर काउंसलिंग कर और फिर के सीसी कैमरे लगाने की हिदायत देती है, लेकिन एक ऐसा बड़ा स्कूल जहां पर सीसी कैमरा काम नहीं कर रहा है, ये शर्म की बात है। और ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि फिर आइंदा कोई मासूम की जान ना जाए। बहरहाल पुलिस अपने तरीके से तहकीकात कर रही है और हम भी चाहते हैं कि पेरेंट्स अगर कोई बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं और कोई स्कूल में दाखिल करते हैं तो अपने बच्चों पर नजर रखें, स्कूल के जिम्मेदारों पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये साल में ये दूसरा वाकया हुआ। यही साल के शुरुआती दिनों में नारायणगुड़ा में भी एक गार्डन टावर मासा टैंक के लड़के की मौत वाकई हुई थी। बहरहाल क्राइम टुडे न्यूज सारे पेरेंट्स से अपील करता है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें। मैं शेख रहमत अली, शहबाज बाबा के साथ, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मेरा बच्चा मोहम्मद इब्राहिम जी स्टडिंग इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड इन प्रॉमिसिंग स्कॉलर स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है मेरा बच्चा जी। कैसा ऐसा हो इंसिडेंट हुआ उनके साथ, कैसा हो, मतलब कौन मारे क्या करे? मोहम्मद इब्राहिम मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाला है, 6.5 साल उम्र है जी मेरे बच्चे की जी। ट्यूसडे के दिन जब मेरा बच्चा स्कूल गया जी, तो जब वापिस आया तो जो है ना बच्चा बताया कि भाई कोई लड़का सेकंड क्लास का लड़का जी 4 बार सामने जो बॉल प्राइवेट पार्ट रहता बॉल सेंसिटिव पार्ट वो पार्ट पे 4 बार बच्चा नी से मारा जी, उससे बॉल डैमेज हो गया जी, क्रिटिकल हो गया कंडीशन जी, फर्स्ट रग फट गई, हाँ, उसकी वजह से डैमेज हो गया, रग पड़ गई पूरा, बच्चे का क्रिटिकल कंडीशन हो गया जी। फिर बच्चे का जो है ना सेकंड सर्जरी हुआ जी, अब्डोमन जी, उसमें और क्रिटिकल ये हो गया। तो ये जो है ना स्कूल वालों की गैर जिम्मेदाराना है जी। कौन सा स्कूल है वो नाम? प्रॉमिसिंग स्कॉलर IAS कॉलोनी जी टोली चौकी जी। ये स्कूल में जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चीज नाम की चीज़ ही नहीं है, इन लोग गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे जी, स्कूल में सही मेंटेन नहीं कर रहे, बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। अब प्रिंसिपल मैडम आए कोई आके उन्होंने थोड़ा सामने दिलासा दे, हमारे बच्चों की कोई सिक्योरिटी नहीं है जी। आज अभी हमसे सवाल करे सीसीटीवी क्यों ऑन नहीं था, तो वो बोल रहे उसी टाइम करंट गया, उसी टाइम कैसा करंट जाता, हम बोले उस टाइम का फुटेज चाहिए, वो सब बच्चा मारा क्या मारा हम उसको देखना चाह रहे, वो तो उसी टाइम करंट गया हुआ था, उस टाइम तक के लिए सीसीटीवी ऑन नहीं था। हर एक मामले से घर में भी इन्वर्टर अवेलेबल है, इस टाइम इतना बड़ा स्कूल जब लोग चला रहे हैं तो इन्वर्टर की सहूलत क्यों नहीं है? कैमरे को सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए तो 24 आवर्स सीसीटीवी तो ऑन रहना ही चाहिए ना। और वो मैडम बोल रहे कि उन लोगों को पता ही नहीं बच्चे को इतना बड़ा इंज्योर होने के बावजूद भी जी। ऐसा क्यों हो सकता है कि इन लोगों को बच्चे को मामूली
धक्का लगा तो मार लिए कर लिए कह सकता, ये बच्चे दोनों मिलके ऐसे, ये बच्चे को छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा ऐसा करा बोला तो इतने क्लासेस में इतने टीचर्स थे, इतने आया रहते, इन लोग कहीं को नहीं देखे, ये क्या वजह है, ये कई की स्कूल है, ये माँ बाप कैसा भेजते बच्चों को, कौन से यकीन पर भेजेंगे कि स्कूल के लिए नहीं, माँ बाप जो है ना अपने बच्चों को कहीं को भेजे, कैसा भरोसा करके भेजते अपने बच्चों को स्कूल पे, भरोसा करके भेजते। अभी आप क्या चाह रहे हैं, अभी आप क्या चाह रहे हैं? मेरे बच्चे पे जो अटैक हुआ जी, उसका जो है ना मेरे को जस्टिस चाहिए जी। और ये स्कूल जो है ना गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा, ये स्कूल जो है ना गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज है इसके ऊपर जो है ना सीरियस एक्शन लेना जी। बच्चे का नाम क्या था? मेरे भाइयों से मेरा जो है ना रिक्वेस्ट है जी, ये स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन मत दिलाइए जी, और जो एडमिशन है वो बच्चों को भी निकाल लीजिए। क्यों बोले तो आज मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ, कल आपके बच्चों के साथ ऐसा हो सकता। बच्चे की एज क्या थी आपके? 6.5 ईयर्स। क्या नाम है उनका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम शिक्षण के ऊपर 12 तारीख के दिन में एक प्रोमिसरी पब्लिक स्कूल टोली चौक के एरिया में से वो स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ, उसमें एक बच्चे इब्राहिम बोल के एक बच्चे मर गए थे। वो एक्चुअली वो दिन एक दोनों बच्चे लड़े थे, उसमें इब्राहिम और उनका सीनियर वाले दूसरा एक बच्चे फयाज बोल के है, एक छोटे इश्यू में उन्होंने टीज करे बोल के उनको मारे तो उनको टेस्टिकल को मार लगा था। जो पेरेंट्स इनको थोड़ा घर को जाने के बाद उनको पेन आया तो पेरेंट्स भी बोले तो पेरेंट्स उनको ले जाके निम्स हॉस्पिटल में एडमिट करे थे। निम्स हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट हुए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी आया, उन्होंने हॉस्पिटल में सर्जरी भी हुआ था। जो वाइल गेटिंग ट्रीटमेंट दो वो समय में उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ कि क्या कि फिर मर गया था। सो वो इन्फॉर्मेशन आके पेरेंट्स आके पुलिस ने बताया तो उसके ऊपर हम केस भी रजिस्टर करते थे 304 Part 2 बोल के। जो वहाँ जो स्कूल अथॉरिटीज भी सही से एक्शन नहीं लिए, जो उनके ऊपर निगरान नहीं लगे बोल के उनके ऊपर एक रिपोर्ट भी भेज रहे। सर एक स्कूल मैनेजमेंट को एक मैसेज दीजिए कि कैसा वो लोग मैनेजमेंट करना चाहिए। नहीं नहीं, वो लोग भी नहीं मालूम हुआ करते, वो इंसिडेंट के बारे में कोई भी नहीं बताया बोल के भी बता रहा था। जो कैमरास कुछ है बोल के भी देखे तो भी कैमरास थे बट वो टाइम पे फंक्शन नहीं करे बोल के, मालूम होता पावर नहीं है बोल के बता रहा था। सो वो केस के ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दूसरे स्कूल्स के लिए कुछ मैसेज दीजिए सर। वो हर एक स्कूल जो एस्टैब्लिशमेंट डेफिनेशन में है, सो हर एक स्कूल भी कैमरास लगाना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर हर एक एस्टैब्लिशमेंट भी कैमरास लगाना, इसीलिए हम बार बार बताया हर एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए पूरा कैमरास लगाना बोल के भी बताया। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जारा शेर।